हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो डीएसएसबी की परीक्षा हो रही है और साथ ही साथ में पीजीटी और यूजीसी नेट परीक्षा का जो हम लोग प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि 4 नंबर टेस्ट सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ जो छात्रों पहला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक समूह से बना होता है। तो एक प्राथमिक समूह किस चीज से बना होता है? लघु इकाई से, विशाल जनसंख्या से, सुदूरवर्ती अवस्थित या औपचारिक सदस्यता से? तो देखिए, यहाँ पर ये वास्तव में देखा जाए तो ये लघु इकाई से बना होता है। क्यों? अब देखो, लघु इकाई यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा छात्रों, वो आपका लघु इकाई। क्यों लघु इकाई हो जाएगा? यानी लघु इकाई का मतलब हम यहाँ पर क्या है, जो स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं वो क्या है छात्रों? देखो, स्मॉल यूनिट से तात्पर्य यह होता है कि जैसे हमारा परिवार है, ठीक है, आर फैमिली, या हमारे जो पीर ग्रुप है, जो हमजोली समूह है, ठीक है, जिनको पीर ग्रुप लिख करके आ जाता है, या हम कह लीजिए हमारा जो पड़ोस है वो हमारे प्राथमिक समूह की स्थापना करता है, वो हमारे व्यक्तिगत। विशाल जनसंख्या की, तो पूरे देश की जनसंख्या, वो हमारा प्राथमिक समूह नहीं होता, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। सुदूरवर्ती अवस्थित की अगर बात की जाएगी छात्रों, तो इसमें भी जो दूर लोग स्थित रहते हैं वो प्राथमिक। इसमें छुओ और जाओ का संबंध नहीं होता, आमने सामने का संबंध होता है। और यहाँ पर छात्रों औपचारिक ना होकर के अनौपचारिक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका लघु इकाई होगा। सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अंतर समूह और बाह्य समूह की सुव्यवस्थित? तो अंतर समूह और बाह्य समूह की चर्चा कौन करता है? वो करते हैं डब्ल्यू जी समनर। अंतः समूह मतलब जिसके हम सदस्य होते हैं वो हमारे अंतः समूह के अंतर्गत, और बाह्य समूह का मतलब होता है कि जिसके हम सदस्य नहीं होते। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखो, जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, इसके जो जनक हैं अगस्त कॉम्टे जी, इन्होंने ही शुरुआत किया था और 1838 में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था मानव शब्द के अध्ययन के लिए। चलिए, तो इसका अध्ययन मतलब जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अगस्त कॉम्ट, ठीक है ना? तो सोशियोलॉजी शब्द का, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग के पहले अगस्त कॉम्टे ने क्या यूज किया हुआ था, किस शब्द को प्रयोग किया था समाजशास्त्र के लिए, ठीक है ना? तो वहां पर क्या यूज किया हुआ था? सोशल स्टैटिक्स, ठीक है ना? सोशल स्टैटिक्स वर्ड का यूज भी इन्होंने किया हुआ था, ठीक है? तो सोशल स्टैटिक्स वर्ड का भी यूज किया था, लेकिन कुछ समस्या आ गई थी जिसके चलते इन्होंने क्या किया, क्वेटलेट महोदय ने उस शब्द को प्रयोग कर लिया था अपने स्टैट के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने इसको हटा करके और फिर सोशियोलॉजी शब्द का 1838 में प्रयोग किया, इसीलिए समाजशास्त्र का इन्हें जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय एक तत्व है? तो कौन सा समुदाय का एक तत्व तो नहीं है? देखो, समुदाय का तत्व तो नहीं है, समुदाय में क्या विशेषता होती है? हम की भावना होती है, एक निश्चित अधिक्षेत्र होता है, तो ये भी डेफिनेटली यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम कहें सांस्कृतिक विविधता, तो छात्रों वहां पर सांस्कृतिक, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए वहां पर सांस्कृतिक एकता होती है, ना कि विविधता, और आत्मनिर्भरता की भावना तो होती ही होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है वो है आपका सी नंबर, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट देखिए, इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे, थर्ड नंबर पे क्या जा रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं। तो कुछ लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो एक गठित संगठन होता है, तो ऐसे छोटे लेवल पर क्या होता है, उनको हम समिति कहते हैं, ठीक है ना? तो जब समितियों का भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ समिति कुछ नहीं है ऐसा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी, तो व्यक्तियों का जो एक संगठन बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संगठन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगठन होगा। तो निम्न में से कौन सा एक वर्ग का उदाहरण है, यहां पर आ रहा है, तो वर्ग का उदाहरण की, तो प्रति संस्कृत की बात हो रही है यहां पर, नेक्स्ट आ रहा है पर संस्कृत, और इसके बाद में पर संस्कृत, बाद में उप संस्कृत आ रहा है, और प्रभुत्व संस्कृत, चार ऑप्शन है। तो देखो, एक वर्ग की बात की जा रही है, यहां पर क्लास की बात की जाए, तो क्लास क्या है, एक उप संस्कृत, जैसे एक क्षत्रिय समाज अगर हम लोग बात करें छात्रों, तो वो क्या है, या हिप्पी कल्चर, ठीक है ना? तो ये एक प्रकार का सब कल्चर का होता, उप संस्कृत का एग्जाम्पल होता, तो उप संस्कृत एक विशेष प्रकार के वर्ग का निर्धारण करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा छात्रों, वो क्या होगा, उप संस्कृत, ठीक है ना? ये उप संस्कृत इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो छात्रों आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया, उप संस्कृत, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, जाति प्रथा का मूलभूत अवलक्षण है, जो जाति प्रथा, अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करेंगे, तो देखो जाति प्रथा का मूलभूत अवलक्षण क्या है, समानता, पदानुक्रम, समान प्रस्थित, खुलापन, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं,
तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पदानुक्रम। देखिए समानता की बात इसलिए नहीं करेंगे छात्रों क्योंकि जातियों में भी हायरार्की होती है पहली चीज, और उस हायरार्की के आधार पर भिन्नता होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा छात्रों, ये समानता होनी, समान परिस्थिति भी नहीं होती, क्योंकि जब हायरार्की की बात आ गई तो समान परिस्थिति खुलापन भी नहीं होता, बंद संस्करण होता है, ठीक है ना, जाति एक बंद व्यवस्था है, मजूमदार ने कहा है। तो पदानुक्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों, देखो हायरार्की, होमो हायरार्किस नामक पुस्तक में ल्यू ड्यूमा ने इस पे विशेष रूप से भी चर्चा की है। तो आइए नेक्स्ट, इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। आरके मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार पर निर्माण करता है, तो एक संदर्भ समूह के आधार का निर्माण, संदर्भ समूह कैसे बनता है, अगर आपके पास में कोई सापेक्षिक वंचना होती है, ठीक है ना, तो उसी आधार पर क्या होता है छात्रों, एक संदर्भ समूह का निर्माण। सापेक्षिक अगर समानता होगी तो संदर्भ समूह बनेगा ही नहीं, सापेक्षिक कठिनाइयां संदर्भ समूह जो है कठिनाइयां नहीं देखता है, सहचर भी एक प्रकार से जो समानता की बात करता है या मेल मिलाप की बात, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर बनता है कि सापेक्षिक वंचना, अर्थात किसी समूह के पास में कुछ सुविधाएं हैं और वो सुविधाएं जो आपके पास में नहीं है, तो वो जो अमुक ग्रुप है वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप का निर्माण करता है। तो यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह के लिए सापेक्षिक वंचना, और सापेक्षिक वंचना की बात जो करता है सर्वप्रथम वो H.H. हाइमैन करते हैं, ठीक है ना छात्रों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे चल करके इस पे मर्टन डिटेल में स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अगले क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो ह्यूमन सोसाइटी के लेखक की बात की जा रही है, ऑप्शन चार है, टी पार्सन्स, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस और मैकाइवर। छात्रों इसको मैकाइवर आप पढ़ेंगे, तो ह्यूमन सोसाइटी ये रचना है किंग्सले डेविस की, ठीक है ना, तो ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है, अब हम लोग सामाजिक मानदंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए राज्य, धर्म, समाज और विशिष्ट जन, आसान क्वेश्चन है। देखो मानदंडों की अगर बात की जाएगी तो वो छात्रों समाज निर्धारित करता है, ठीक है, जो सामाजिक मानदंड है समाज के तौर तरीके वो समाज ही निर्धारित करता है, बस जो लीगल कानून है उनको कौन निर्धारित करता है, राज्य करता है। तो कई छात्र यहाँ पर कंफ्यूज कि राज्य तो निर्धारित नहीं करता, राज्य एक्चुअल में ये कानूनी विधा से होता है, तो लीगल जो एक्शन होता है छात्रों वो राज्य, और चूंकि राज्य भी किसका एक अंग के अंतर, राज्य भी किसके अंतर्गत आता है, समाज, तो इसलिए यहाँ सामाजिक मानदंड जो निर्धारित होता है वो समाज के अनुसार होता है। देखो जो कानून भी बनते हैं छात्रों वो भी समाज की जो मान्यताएं होती हैं उसी के अनुसार ही बनता है। चलिए नेक्स्ट, इसके अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे छात्रों, यहाँ पर समाज की भाषा में मूल्य वैल्यू को संदर्भित करता है, अगर हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू में क्या संदर्भित करता, आचरण का मानदंड, सामाजिक निष्पादन, सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आदर्श। तो देखो वैल्यू में क्या होता है, आचरण का एक मानदंड, इस बार नेट की परीक्षा में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, वैल्यू की बात की गई है, ठीक है ना, तो वैल्यू का मतलब होता है जो आचरण के हमारे प्रॉपर मानदंड होते हैं उन्हीं को हम वैल्यू कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट। देखो आदर्श नॉर्म्स की बात करता है, तो नॉर्म्स क्या होता है कि जैसे अपने से बाएं चलो माता पिता को, तो ये आदर्श है छात्रों, लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब जो हमारे संपूर्ण आचरण है उनका जो ऑथेंटिक मानदंड होता है उसको हम वैल्यू कहते हैं, तो इसलिए इसका। नेक्स्ट देखिए प्रत्याशित समाजीकरण की बात, तो ये भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ था नेट के अंदर में कि प्रत्याशित समाजीकरण क्या चीज होता है, ठीक है ना, मतलब जो हम लोग जिस रेफरेंस ग्रुप, आपने देखा होगा तो रेफरेंस ग्रुप जब कोई रेफरेंस ग्रुप होता है और हम उसकी कामना करते हैं कि हम उसके सदस्य बनेंगे, तो उसके लिए जिस प्रकार का अनुप्रयोग स्टार्ट कर देते हैं, जो चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, उसे हम प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं, ठीक है, तो प्रत्याशी समाजीकरण को जन्म देता है कौन, जन्म देता है, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा संघर्ष, व्यक्ति का विघटन, मानदंडहीनता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गति। सामाजिक प्रत्याशी समाजीकरण क्या जन्म दे सकता है छात्रों, तो ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता, अर्थात आप किसके अनुसार बनना चाहते हैं। देखो छात्रों यहाँ पर एक सवाल यह बन सकता है कि मान लीजिए आपने हिप्पी संस्कृत है और उस हिप्पी संस्कृत को आपने लाइक कर लिया और आप उसके अनुसार मान लीजिए कि शराबी बन रहे हैं, ठीक है कि वो लोग तो बहुत इंजॉय में है, हमें भी इंजॉय में रहे, लेकिन छात्रों जो समाज मानदंड आपके नजरिए से क्या होता कि वो आपके लिए बेहतर माना जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जनरली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उसको हम ऊर्ध्वगामी, वो क्योंकि हम उसको अपने से उच्च मानते हैं इसलिए हम उसको ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ऊर्ध्वगामी समय, और ऊर्ध्वगामी और अधोगामी जो सामाजिक गतिशीलता की बात होती है, सोशल मोबिलिटी की बात होती है, ये सोशल मोबिलिटी की बात कौन करता है, तो मिलर करता है छात्रों, ठीक है, तो मिलर
ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता की बात। अगर जो स्टेटस है उससे ऊपर आप उठते हैं तो उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं, अपवार्ड सोशल मोबिलिटी, और एक डाउनवार्ड होता है जिसको अधोगामी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब आपकी स्थिति जितनी है उससे नीचे गिर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दुर्खीम के प्रतिपादन अस्पष्टता के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित हैं। तो देखो यहां पर बात आ रही कि किससे वो प्रभावित होने का कार्य करते हैं। तो दुर्खीम नृविज्ञान से, जीव विज्ञान से, मनोविज्ञान से या दर्शन शास्त्र से। तो देखो यहां पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली किससे प्रभावित होने का काम करते हैं, क्योंकि एथिकल होता है 19वीं शताब्दी के अंदर में, नीति शास्त्र की बात क्या होना चाहिए, तो वो बेसिकली जो प्रभावित होते हैं छात्रों वो दर्शन शास्त्र से प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दर्शन शास्त्र का एक विषय वस्तु है नीति शास्त्र, तो वहां पर जो बौद्धिक तल्लीनता थी अर्थात क्या होना चाहिए, इसी ने इसको परिवर्तित करने का कार्य किया और धीरे धीरे करके समाज के अनुसार कुछ मानदंड बनाए जाने के लिए बात की गई थी कि अर्थात कौन सी व्यवस्था समाज में लाई जाए जिससे संतुलन स्थापित हो। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे छात्रों। तो क्या आता है, कह रहा है लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं। कोई लघु समूह है उसके सामाजिक जीवन से जुड़े अगर मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन करते हैं तो उसको हम माइक्रो स्टडी कहते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, और एक है मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बृहद। तो यहाँ सूक्ष्म अध्ययन की बात की जा रही है। ठीक है ना छात्रों, जैसे आपने देखा होगा कि आगे चल करके अल्थुजर बात करता है, तो ये सब भी किससे जुड़े हुए, माइक्रो से जुड़े हुए। ठीक है ना, या आपने देखा होगा निर्जात पद्धति साथ, निर्जात केंद्रितावाद, तो ये सब क्या है, ये माइक्रो स्टडी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। तो अभी अभी मैंने बताया था कि संदर्भ समूह की जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम प्रदान की प्रोवाइड किया था H.H. हाइमैन ने। ठीक है ना, तो संदर्भ समूह को किसने दिया हुआ था, H.H. हाइमैन ने। और छात्रों जो सापेक्षिक वंचना शब्द का प्रयोग किया था उसको स्टाउफर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि संदर्भ समूह को सर्वप्रथम प्रयोग किया था H.H. हाइमैन ने, जबकि यहाँ पर जो हमारा संदर्भ समूह है उसको स्टाउफर यूज करता है। आगे चल करके जो इस पे व्यवस्थित अध्ययन करता है वैज्ञानिक वो आर.के. मर्टन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात, 16 नंबर, नगरवाद एक जीवन पद्धति के विचार हैं। अब नगरवाद की बात की जा रही, तो नगरवाद यानी कि अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, यहाँ चार ऑप्शन, किंग्सले डेविस, पार्क्यू बर्गस, पी गेट्स और एल बिर्थ। तो जो लुइस बिर्थ हैं, एल बिर्थ यानी लुइस बिर्थ, उन्होंने द सिटी नामक पुस्तक में नगरवाद एक जीवन पद्धति की बात की थी। ठीक है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया गया, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई थी छात्रों वो कब से कब तक चली। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये जान लें कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से, तो 1951 यानी 2 अक्टूबर 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई थी। पूरे विश्व के अंदर में जो पहली पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई थी पूरे राष्ट्रीय लेवल पर छात्रों, वो रसिया में थी। ठीक है, तो 1928 में रसिया में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, रूस में। तो वहीं रूस के संविधान से ही हमारे यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए अगले, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है। तो देखिए गांव को जो लघु गणतंत्र की बात की है, चार ऑप्शन है, आर रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, A.R. देसाई और अल्बर्ट मेयर। तो चार्ल्स मेटकाफ ने जो यहाँ के गांव है उनको छोटे छोटे लघु गणतंत्र कहा है। वो अपने आप में क्या है, मतलब ऑटोनॉमस है। ठीक है, अपने आप में आत्मनिर्भर है, इसलिए इनको क्या कहा, चार्ल्स मेटकाफ ने गांव को, जो भारतीय गांव है उनको लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखिए 19 में, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर कुछ सोशल प्रोसेस दी गई है, उनको ध्यान रखना है। पहला सहयोग है, दूसरा संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और सात्मीकरण। तो देखो छात्रों यहाँ पर सहयोग, ये तो डेफिनेटली सहयोग क्या है, सहयोगी प्रक्रिया है ये। ठीक है ना, मतलब जो एकोमोडेशन है ये बात, अनुकूलन की बात की जा रही है, एकोमोडेशन की बात, तो डेफिनेटली अनुकूलन भी क्या है, सहयोगी प्रक्रिया। लेकिन संघर्ष क्या है, ये सहयोगी प्रक्रिया नहीं है। प्रतिस्पर्धा ये भी सहयोगी, सात्मीकरण, एसिमिलेशन छात्रों, तो सात्मीकरण भी कहीं ना कहीं क्या है, ये सहयोगी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 1, 4, 5 ये ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, तो आइए देखिए 1, 4, 5 कहाँ पे आ रहा है, 1, 4, 5, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समाज
समाज की संरचना की बात कहने वाला, तो जो स्ट्रक्चर की बात करता है, सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले कौन करता है, तो वो छात्रों करता है स्पेंसर, ठीक है ना। सोशल स्ट्रक्चर सबसे पहले, तो चाहे प्रकार की बात हो छात्रों, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात हो, ये दोनों शब्दों का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो कौन करता है, या उद्विकास की बात सर्वप्रथम कौन करता है, वो स्पेंसर ही करता है, ठीक है ना। तो देखिए सामाजिक संरचना की बात यहाँ पर हो रही, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं पर साम्यता स्थापित, तो समाज और मानव शरीर के बीच में जब साम्यता की बात की जाएगी तो वहां पर स्पेंसर आएगा, ठीक है ना। स्पेंसर ने क्या किया कि जो मानव यहाँ पर जो डार्विन का जीव विज्ञान था, उसको जीव को समाज से बिल्कुल जोड़ने का कोशिश किया हुआ, तो समाज के साथ में जो जोड़ा है, इसलिए उस सिद्धांत को हम सावी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सावी सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक सिद्धांत या सामूहिक मस्तिष्क या आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है, तो उसको हम साविक सिद्धांत कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है, मतलब लोगों का कुछ समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाएगा, तो छात्रों शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया आप लोगों का, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा संघ, ठीक है ना। संघ जो क्या करता है, वो एक निश्चित लोगों का समूह, और समिति क्या है, कुछ लोगों का समिति भी इसी तरीके से, कुछ लोगों का समूह जो एक निश्चित रूल रेगुलेशन के तहत रहता है और क्या करता है, कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो उसको भी हम समिति कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों का, यहाँ पर चूंकि समिति ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कई छात्र लोग लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, सर संस्था क्यों होगा। देखो छात्रों संस्था का मतलब क्या होता है, संस्था का मतलब होता है जो क्रियाविधि होती, कार्य करने के तरीके को हम संस्था कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विवाह एक संस्था है, समिति के अंतर्गत संस्था होती है, ठीक है ना। जैसे कोई समिति है, सपोज करिए, तो समिति को चलाए रखने के लिए, कोई संघ है उसको बनाए रखने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनते हैं, उसको हम उन रूल रेगुलेशन का जो पुंज होता है उसको हम संस्था कहते हैं, तो इसलिए आंसर इसका संघ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से प्रसिद्ध है, तो अगर हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से प्रसिद्ध में देखेंगे तो गैमेनशाफ्ट और गैसलशाफ्ट की बात, तो ये तो यफ टानीज ने महोदय ने कहा था, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पर आ रही छात्रों, प्रस्थित और अनुबंध की बात की जा रही है, तो ये भी इनसे जुड़ा, जो सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात आती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और मिलिटेंट सोसाइटी की जो बात करता है छात्रों, वो कौन करता है, स्पेंसर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है, तो सामाजिक जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस चीज का अध्ययन करता है, उसको देखिए कि सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का, तो उसका जो किस अध्ययन किसका करता है, सामाजिक, जो सोशल जो इक्वलिटी है, सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानताएं हैं, उनका अध्ययन करने का विषय वस्तु होता है सामाजिक स्तरीकरण का। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे छात्रों, तो 25 नंबर में आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया, तो देखो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, अनुच्छेद 15(4) में, 16(5), 16(4) में, 17(4) और 23(4) में। तो देखिए 15(4) में जो बात की जाती है छात्रों, वहां पर क्या लिंग आयु जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर गए, तो इसकी बात की जाती है, तो यहाँ पर तो नहीं है। 16(4) के अंतर्गत क्या है कि सरकारी नौकरियों में समानता की बात की जाती है, और 16(4) के अंतर्गत कुछ विशेष आधार पर, यानी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर क्या होता है छात्रों, कि कुछ जो हमारे वर्ग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है ना, और वहीं पर कुछ वर्ग की बात की जाती है तो उसमें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात आती है, एससी और एसटी की भी बात आती है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 16(4) में, ठीक है ना। 17 जो है वो अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ छात्रों, 23 ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए 16(4) में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह की योजना, तो ग्रामीण विकास से संबंधित जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो 2 अक्टूबर 1995 से, 2 अक्टूबर 1995 इसको लर्न करके रखेंगे, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, 27 नंबर, तो निम्न में से कौन सा लघु परंपरा का अंग नहीं है, तो लघु परंपरा की बात, देखो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की बात रॉबर्ट रेडफील्ड कहता है, और लघु परंपरा का मतलब क्या होता है छात्रों, जो एक स्थानीय आधार पर हो, लोकल क्षेत्र में हो, लोक कथा यानी एक पर्टिकुलर स्थान पर दंत कथा, ये छोटे से क्षेत्र में विभागीत,
ये कुछ किलोमीटरों बाद बदल जाते हैं। तो ये जो एक ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर है, ये बदल, लेकिन अगर हम लोग रामायण की बात करेंगे छात्रों, तो ये पूरे भारत वर्ष में विस्तृत है। वो बात अलग है कि कहीं पर स्वीकार कर रहे हैं, कहीं पर इसका विरोध भी हुआ, जैसे तमिलनाडु के अंदर में ईवी रामास्वामी नायकर जी ने, लेकिन जानते सभी लोग हैं तो ये बृहद परंपरा का क्या है, अंग है, ना कि लघु परंपरा का। तो रामायण पूरे भारत वर्ष के अंदर में विस्तृत है। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ कथन और कांड दिए गए हैं, इनको जानना है, ठीक है ना। कथन ए नंबर जब आएगा तो इसका मतलब कथन कांड दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, कथन कांड दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं, ए सही है आर गलत है और ए गलत है आर सही है। अब आइए इसके देखें 26-28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले वो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई थी, तो बात सत्य है, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। तो बिल्कुल सही है, फ्रांस के अंदर में राजक्रांत हो गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप फ्रांस के ही रहने वाले अगस्त कॉम्टे महोदय ने इसके बारे में विचार किया हुआ था और वहां पर व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। तो पहला कथन ये छात्रों आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर उसका कारण दे क्या दे रहा है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता जहां संकटों से भरा हो, तो ये छात्रों ये गलत है, ठीक है। ये सभी समाजों के अध्ययन के लिए है, ये केवल जहां पर समस्या है इनसे संबंधित नहीं है, ये सभी सामान्य समाजशास्त्र है, ठीक है ना। सामान्य समाज का अध्ययन करता है, ना कि कोई स्पेशल कोई स्टडी करता हो, ठीक है ना, ये सभी समाजों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है और कारण गलत है, तो इसको आप मान के चलेंगे, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। तो भाई छात्रों ये बिल्कुल सही है कि गंदी बस्तियां जो होती हैं वो बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, क्योंकि बाल अपराधी काफी कुछ वहां पर जन्म लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगला कह रहा है कि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी भी ना होते, तो ये बात गलत है छात्रों, क्योंकि बाल अपराधी केवल और केवल गंदी बस्तियों में नहीं, इसके अलावा सामान्य घरों में अन्य स्थानों पर भी बाल अपराधी हैं। तो गंदी बस्तियां निश्चित रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी ही ना होते, तो इसलिए ए सही है आर गलत हो गया, तो पुनः यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात कथन सही है कारण गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो संस्कृत है वो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। तो सचमुच में ये सत्य है कि हमारी जो संस्कृत है, हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है वो संपूर्ण उस जो भी व्यवहार के प्रतिमान उसका संपूर्णता का योग है, ये डेफिनेटली सही है। अब ये कह रहा है कारण है कि वह प्राण शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है, तो मतलब जो है ये भी बात देखा जाए तो ये केवल प्राण शास्त्रीय नहीं कि हमने जन्म ले लिया समाज के अंदर में तो उसका परिणाम है, ये नहीं है, बल्कि अगर हम ना सीखें और इसी समाज में जन्म लेकर के अगर हम बहुत सारी चीजें ना सीखें तो हम संस्कृत को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें बातें सही है छात्रों की, संस्कृत सीखे हुए व्यवहार है और इसीलिए वह प्राण शास्त्रीय विरासत का केवल फल नहीं है, बल्कि क्या है, इन दोनों चीजों का संयोग है। तो बात ये सही भी है और ये इसकी सही व्याख्या भी, दोनों बातें सही है और उसकी सही व्याख्या भी है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा छात्रों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या है। थैंक्स डियर स्टूडेंट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू गेट मोर एसेंशियल वीडियोस टू योर स्टडी। थैंक यू।